जो टाइम के साथ बदलता नहीं है उसका वक्त कभी बदलता नहीं है। कुछ लोग एआई से डर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं कि एआई जॉब्स खत्म कर देगा, एआई हमारा फ्यूचर खराब कर देगा, और कुछ लोग वक्त के साथ बदल रहे हैं, उसी एआई को समझकर घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। जैसे 23 साल का अविनाश एआई और चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी का यूज करके हर महीने 25 लाख की कमाई कर रहा है। 16 साल के सूरज ने एआई टूल्स को यूज करके 2 महीने में 20 लाख कमाए। मैट हैगिंस ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा, क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म्स को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए, आपके पास कितना पैसा है, या फिर आपके पास कौन सी डिग्री है। एआई को कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है। एआई के टूल्स अब ना सिर्फ सेल्फी एडिट करने के लिए या होमवर्क करने के लिए नहीं है, अब इनमें कमाने का इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपकी कैसे हेल्प करेगी? देखो, जिन्होंने 1988-91 में फैक्ट्री लगाई आज वो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जिन्होंने 2008 और 2012 के बीच में वेबसाइट्स का काम शुरू किया आज वो मिलेनियर्स हैं। जिन्होंने 2016-17 में यूट्यूब शुरू किया आज उनमें से कई लोग यूट्यूब मिलेनियर्स हैं। 2024 है एआई का साल। इसमें अगर कोई सही मौका पकड़ ले तो आने वाले टाइम में उसके पास पैसा होगा, बिजनेस होगा, फेम होगा, सब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैंने और मेरी टीम ने 12 ऐसे आइडियाज रिसर्च करे हैं जिनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, और एआई की पावर जोड़कर अगर आप ईमानदारी से कंसिस्टेंटली काम करते हो तो लाखों करोड़ों रुपए का अपने लिए रास्ता बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे देखनी है? पहले आप 12 आइडिया सुनो। हर आइडिया में मैं आपको रोड मैप दूंगा, क्यों करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, टूल्स दूंगा, और आप साथ साथ अपने नोट्स बनाओ। फिर ये 12 आइडिया सुनने के बाद कुछ लोगों को तो क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा आइडिया उनके लिए सही है, प्रैक्टिकल है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो, मान लो 3-4 आइडियाज अच्छे लग रहे हैं, कौन सा फाइनल करूं, तो लास्ट में आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा जिससे आप अपनी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल पाओगे और अपने लिए राइट डिसीजन ले पाओगे। बिल गेट्स ने 1996 में बोला था कंटेंट इज किंग, और ये बात अब और ज्यादा रेलेवेंट है। कॉग्निटिव मार्केट रिसर्च के मुताबिक कंटेंट राइटिंग सर्विसेज की मार्केट 2023 से 2030 तक हर साल 5.5% से ग्रो करेगी। कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन $412 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब देखो, कंटेंट हर जगह चाहिए, टीवी के एड से लेकर वेबसाइट के पेज तक, यूट्यूब की स्क्रिप्ट से लेकर मार्केटिंग की ईमेल तक। अब कुछ लोग कहते हैं कि एआई जो है ना वो कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर रहा है, बट फैक्ट ये है कि एआई कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस नहीं, एड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब खुद सोचो, रितेश अग्रवाल को अगर ओयो के लिए कोई मार्केटिंग कंटेंट चाहिए तो वो खुद थोड़ी ना एआई टूल यूज करके लिखेंगे। बोट को अपने नए हेडफोन्स के लिए वेबसाइट कंटेंट बनाना है तो क्या अमन गुप्ता बैठकर एआई से कंटेंट लिखेंगे? लिखेंगे तो राइटर्स ही ना। पर अगर एक राइटर वो कंटेंट हफ्ते में लिखता है और दूसरा राइटर 3 से 4 घंटे में लिखता है तो मार्केट किसके पास जाएगी, पैसा किसको मिलेगा? विनायक गुप्ता पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, फिर वो कंटेंट राइटिंग में आए, और आज उनकी एक अच्छी खासी कंटेंट राइटर्स की टीम है, 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग है। अब आप क्या कर सकते हो? आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज दे सकते हो बिजनेसेस को, प्रोफेशनल्स को। एआई के कंटेंट राइटिंग टूल्स को मास्टर करके आप दूसरों के लिए वेबसाइट कंटेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट, कोर्स कंटेंट बना सकते हो। Jasper.ai और ChatGPT ये एडवांस्ड एआई टूल्स हैं जो आपको सिर्फ कंटेंट लिखने में हेल्प नहीं करते, बल्कि आपको आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने में, पैराग्राफ्स जनरेट करने में, और कंटेंट को एकदम बिगनिंग से लेकर एंड तक लिखने में असिस्ट करते हैं। इसी के साथ आप ग्रामरली टूल को भी यूज कर सकते हो अपने स्पेलिंग चेक के लिए, अपनी राइटिंग टोल के लिए, और प्लैगरिज्म चेक करने के लिए। बहुत बार लिंक्डइन पे, Naukri.com ऐसे पोर्टल्स पे फ्रीलांस और फुल टाइम राइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने राइटिंग सैंपल्स यहाँ पे शेयर करो। कई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर। आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाओ और अपने काम को शोकेस करो। अपने इनकम को बिल्ड करते हुए आप चाहो तो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ मार्केटिंग की ईमेल्स पे स्पेशलाइज कर रहे हो कि आप वही लिखोगे और बेस्ट लिखोगे, एड राइटिंग में स्पेशलाइज कर सकते हो, या वीडियोस के कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो। और जब आपके पास एक सॉलिड इनकम शुरू हो जाए, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया, अब आप टीम बिल्ड कर सकते हो, एआई पावर्ड कंटेंट राइटिंग एजेंसी बना सकते हो, और क्योंकि कंटेंट किंग है तो आप किंग मेकर बन सकते हो, और किंग मेकर बनते हुए अपनी जिंदगी
किंग जैसी कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैं NDTV के एक अवार्ड नाइट में गया। वहां पे मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसने इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाई। ये देखिए उसका प्रोफाइल कायरा ऑन IG। ये एक AI से बनाई हुई वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पे इसके ऑलरेडी 2,30,000 फॉलोअर्स हैं और ये ऑलरेडी ब्रांड डील्स कर रही है और ये वर्चुअल स्पैक 8,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। AJ मोटिवेशनल कोट्स 2,50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। मतलब ना कैमरा चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना माइक चाहिए, ना कोई शूटिंग लोकेशन चाहिए। AI की पावर से आप एक इन्फ्लुएंसर क्रिएट करते हो और जितनी चाहे वीडियोस बना सकते हो, जहां तक चाहे पहुंचा सकते हो और जितना चाहे कमा सकते हो। इंडिया में 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। इसमें आप 13 से ज्यादा तरीकों से कमा सकते हो और जो प्रॉब्लम है कि फेस दिखाना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, आपको सिर्फ AI को मास्टर करना होगा। यही है AI की पावर। आप कैसे ये कर सकते हो, आपके लिए मैं बहुत इजी कर देता हूं। लेक्सिका पे जाकर आप एक अवतार ढूंढ सकते हो, ChatGPT से आप कंटेंट लिखवा सकते हो। कैनवा पे एक फीचर है जिसमें आप अगर टेक्स्ट डालते हो तो आपका जो अवतार है वो ये बोलेगा। ऐसे आप अपना खुद का बोलने वाला अवतार बना सकते हैं। वीडियो क्रिएट करके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद vid.io पे जाके फर्दर इसको एडिट कर सकते हो, सबटाइटल डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑल इन वन टूल्स भी हैं जैसे invideo.io या फिर सिंथेशिया, जहां पे आपको एवेटार, कंटेंट, वॉइस, हर चीज एक ही जगह मिलती है। तो अगर ये ऑप्शन आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर जब हम लास्ट में रोड मैप बनाएंगे तब ये ऑप्शन आपकी फाइनल ऑप्शन है, तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन भी है और क्रिएटिविटी भी है। मतलब आप पैसा भी कमाओगे और बोर भी नहीं होगे। अपने कंटेंट पे आप एड रेवेन्यू के थ्रू कमा सकते हो और आजकल तो हर प्लेटफॉर्म मोनेटाइज कर रहा है। पहले सिर्फ यूट्यूब होता था, फेसबुक भी पैसा देता है, इंस्टाग्राम भी पैसा देता है। ब्रांड डील्स जैसे कायरा ने लोरियल की ब्रांड डील करी, फार्मलाइट की करी, रियलमी की करी, आप भी अपने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के साथ ब्रांड डील कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या फिर आप भी अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे सूरज ने AI टूल्स को यूज करके 2 महीने में 2,000,000 कमाए और ऐसे किशन सिंह महीने का 1,000,000 अर्न करते हैं। यही हमारा नेक्स्ट इनकम आइडिया, A फॉर एप्पल, B फॉर ब्लॉग। ब्लॉगिंग शुरुआत में ना सिर्फ एक शौक के रूप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज ये लाखों लोगों के लिए प्रॉपर अर्निंग सोर्स बन चुकी है और कई बिजनेसेस के लिए ये एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल बन चुकी है। इंटरनेट की दुनिया में 77% लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं। 61% मार्केटर्स ब्लॉगिंग को वन ऑफ द टॉप कंटेंट मार्केटिंग टूल मानते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे AI पावर्ड ब्लॉगिंग से आप 1,00,000 कमा सकते हो। सबसे पहले अपनी नीश, अपने एरिया को आइडेंटिफाई करो, अपनी ऑडियंस को समझो कि किस टॉपिक पे आप ब्लॉग्स बनाओगे। आप ChatGPT यूज कर सकते हो आइडियाज जनरेट करने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए या फिर पूरे ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। आप चाहो तो GPT को ट्रेन कर सकते हो आपकी टोन, आपके थॉट्स के साथ। आप उसको फीड कर सकते हो कि ये मैंने चेंजेस करे, अब मुझे इसके हिसाब से अगला आर्टिकल लिख के दे। हेमिंगवे एडिटर, ये टूल आपके ब्लॉग पोस्ट को और प्रोफेशनल और एक्सेसिबल बनाता है। आपको परफॉर्मेंस डेटा भी देता है ताकि आप रेगुलरली एनालाइज कर सको कहां पे आपको इंप्रूव करना है। क्रिस्प या ड्रिफ्ट, ये AI ड्रिवन चैटबॉट्स हैं जो आप अपने ब्लॉग्स पे लगा सकते हो ताकि आपके जो विजिटर्स आए उनको एंगेजमेंट मिले। मतलब 24/7 आपके जो रीडर्स हैं उनकी अगर कोई क्वेरी है तो आपके चैटबॉट जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट्स को रिप्लाई करके सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल न्यूज़लेटर्स के थ्रू अपनी ऑडियंस को एंगेज रखो ताकि आप अपने ब्लॉग के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाओ। अगर आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी के साथ AI की हेल्प लेकर ये टूल्स यूज करके ब्लॉगिंग में लगे रहोगे तो बहुत रेवेन्यू जनरेशन की ऑप्शंस आपको मिलेगी। एफिलिएट से कमा सकते हो, एड रेवेन्यू से कमा सकते हो, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कमा सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया हुआ है, कैसे कमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, AI कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लास्ट में इस वीडियो को भी देख सकते हो। वेबसाइट बिल्डर्स का मार्केट साइज 2023 में $1.83 बिलियन था और 2030 में ये $3.31 बिलियन हो जाएगा। मतलब 7% एनुअल ग्रोथ। अगर इंडिया की बात करें तो 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं अभी, 2030 तक ये 130 करोड़ हो जाएंगे। मतलब 45 करोड़ लोग नए आएंगे इंटरनेट पे। इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। ऐसे में एक चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होगी, वो है इंटरनेट का बेस, वेबसाइट्स। अब वेबसाइट से कमाने के दो तरीके हैं। एक है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो,
उसमें कंटेंट डाल सकते हो और एड्स लगा सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज डाल सकते हो और कमीशन से कमा सकते हो, ऑनलाइन शॉप बना सकते हो और प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। दूसरा तरीका भी है कि जैसे जैसे इंडिया में डिजिटल ग्रोथ होती जा रही है, इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच रही है, हर बिजनेस को, हर प्रोफेशनल को वेबसाइट चाहिए। अब वो ये वेबसाइट खुद तो नहीं बनाएंगे ना, चाहे AI से वेबसाइट बनानी बहुत आसान है, लेकिन डिजाइन, कंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस, ये उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। आप इसमें एक्सपर्टीज ला सकते हो क्योंकि इस सेवा में ना मेवा छुपा है। तो आप AI पावर्ड वेबसाइट बिल्डिंग सर्विसेज दे सकते हो, लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक दे सकते हो, अपने शहर के रेस्टोरेंट वाले को भी दे सकते हो और US में बैठा जो कोई ट्यूशन टीचर है उसके लिए भी वेबसाइट बना सकते हो। रेस्टोरेंट वाले तक तो कॉल से पहुंच जाओगे, मिल लोगे उसको, और फॉरेन में जो क्लाइंट्स बैठे हैं उनको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। एक बार आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया ना कि AI के साथ वेबसाइट कैसे बनानी है, कैसे डिजाइन जनरेट करना है, कैसे कंटेंट जनरेट करना है, कैसे वेबसाइट को सेट करना है, उसके बाद आपके लिए स्कोप ही स्कोप है, फ्यूचर ही फ्यूचर है। आप अपनी वेबसाइट या फिर दूसरों के लिए जो आप वेबसाइट बना रहे हो वो होस्टिंगर के थ्रू बना सकते हो। होस्टिंगर हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है और मैं होस्टिंगर इसलिए भी सजेस्ट करता हूं कि मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स भी होस्टिंगर पे होस्टेड है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कैसे आप ये कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे AI की पावर के साथ आप 4 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और भी कुछ ऐसे जादू जो वेबसाइट के अंदर AI कर सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कई प्लान्स नजर आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं अगर बिजनेस की तरह किसी चीज को करना है तो बिजनेस प्लान ही लिया जाए। कई सारे फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं जो आपको बेस्ट सूट करता है, आप वो प्लान ले सकते हो। 48 मंथ्स वाले प्लान को लेने में आपको 3 मंथ्स फ्री मिलते हैं, एक अच्छी खासी सेविंग मिलती है और पहले 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलता है। नीचे आपके पास एक कूपन कोड की ऑप्शन है, वहां पे आप HM7 कूपन कोड डालकर एक अच्छा फर्दर डिस्काउंट ले सकते हो। कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, कौन वेबसाइट बना रहा है, किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो, आपको बस सिलेक्ट करते जाना है। क्या आपको हेल्प चाहिए वेबसाइट बनाने में? यस प्लीज। सो क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। अब 2 ऑप्शंस आपके सामने, एक है वर्डप्रेस जिससे कई सालों से वेबसाइट बनती आ रही है और एक है AI बिल्डर द जादू। तो हमने AI बिल्डर को सिलेक्ट किया। अब हमें डोमेन नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि इस प्लान में डोमेन हमें फ्री मिली है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डोमेन का नेम चाहे तो अभी रख सकते हैं, नहीं तो नामकरण बाद में कर सकते हैं। सो लेट AI क्रिएट योर वेबसाइट इन मिनट्स, स्टार्ट क्रिएटिंग। अब यहाँ पे बस 3 ऑप्शंस आपको डालनी है। ब्रांड नेम, अब मान लो हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बना रहे हो तो हमने ब्रांड नेम रखा टाइम मैनेजमेंट गुरु। अब आ गया वेबसाइट टाइप। अब आप टाइम मैनेजमेंट पे ब्लॉग बना रहे हो कि लोगों को बहुत दिक्कत रहती है टाइम मैनेज करने में, तो ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हो। आप टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स, प्रोडक्ट्स डालना चाहते हो तो ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, या फिर आप किसी टाइम मैनेजमेंट कोच के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आप बिजनेस शोकेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि ये वेबसाइट किसके बारे में, इसमें क्या होगा। आपको एक ब्रीफ, एक आइडिया देना है AI को कि आप इस वेबसाइट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अब हम दबाएंगे क्रिएट अ वेबसाइट, शकलका बूम बूम। अब आप देखो वेबसाइट बन चुकी है, गूगल के लिए ऑप्टिमाइज हो चुकी है, आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, इमेजेस अपडेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसने खुद से टेक्स्ट लिखा, बहुत अच्छा है, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, लेकिन अगर आपको लगता है आपको बदलना है तो आप बदल सकते हो। फोटो आपको ये नहीं लगानी, आपको कोई और फोटो चाहिए, आप चाहो तो AI से जनरेट कर सकते हो या फिर अपने क्लाइंट की फोटो लगाओ। अब आप देखो एक कोच के हिसाब से इसने पूरी वेबसाइट बना दी है कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, यहाँ पे अगर किसी ने रीच आउट करना है, कॉन्टेक्ट करना है, वो ऑप्शन आ गई, नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए। अब इस वेबसाइट में और क्या क्या जादू हो सकता है, इसी के अंदर AI लोगो मेकर है, आप AI के साथ लोगो बना सकते हो। AI राइटर है, आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट AI के थ्रू लिखवा सकते हो, AI के थ्रू ब्लॉग जनरेट करवा सकते हो, और एक बहुत ही शानदार फीचर AI हीट मैप। ये एक स्मार्ट तरीका है जिसमें AI आपको बताता है कि आपका यूजर वेबसाइट के कौन से एरियाज पे ज्यादा अटेंटिव रहेगा, उसका ध्यान किधर ज्यादा पड़ेगा, उस हिसाब से आप उन एरियाज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, उन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। तो कैसा लगा AI का जादू, नीचे कमेंट्स में बताना। होस्टिंगर का जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में है, मतलब जो यूजर्स हमारी साइट पे आते हैं उनको एक अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा अपटाइम मिलता है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है, कहीं आपको प्रॉब्लम आई तो कस्टमर सपोर्ट है, एंड 30 डेज मनी बैक गारंटी है। देखा आपने कैसे मेरी एक फोटो का पोस्टर बन गया, ये मैजिक है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री के धमाकेदार स्टैट्स के अकॉर्डिंग दुनिया भर का जो ग्राफिक डिजाइनिंग का मार्केट है वो 2032 तक $83 बिलियन टच कर जाएगा, मतलब हर साल 5% की सॉलिड ग्रोथ। और इंडिया में तो ग्राफिक डिजाइनर्स की बात ही अलग है, यहां पे तो जो डिमांड है ना वो स्काई रॉकेट हो रही है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर महीने का 1 लाख रुपया कमाना
सिर्फ एक सपना नहीं, एक अचीवेबल रियलिटी है। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में हर कोई चाह रहा है कि वो अपनी बात को, अपनी कहानी को विजुअली शेयर करे, और इसी वजह से क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है ना, वो आसमान छू रही है। चाहे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट हो, कोई वीडियो का थंबनेल हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो, कोई प्रमोशनल मटेरियल हो, हर चीज विजुअली इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। इसीलिए कंपनीज और प्रोफेशनल्स ढूंढते हैं AI स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स। क्योंकि अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है और आप ग्राफिक डिजाइनिंग को AI के साथ सीखते हो, AI के टूल्स यूज करके करते हो, तो कंपनी समझती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। आपके जो छोटे छोटे काम है, रिसाइज करना, क्रॉप करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, ये तो आप AI से कर लोगे। अपना फोकस डिजाइन पे डालोगे, अपना फोकस डिजाइन की सेंस में डालोगे। डैली, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी, ये कुछ टूल्स हैं जो इमेजेस जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब इनमें क्या प्रॉम्प्ट देनी है, किस प्रॉम्प्ट से क्या करवाना है, जितना प्रॉम्प्ट्स को मास्टर करते जाओगे, उतना ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग इमेजेस आप क्रिएट कर पाओगे। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने आर्ट को डिजिटल फॉर्म में लाने का। इसके साथ साथ एड क्रिएटिव टूल है जो आपको बिना किसी झंझट के एड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो AI बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखो, समझो, अपना एक किलर पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आप अपना काम शोकेस कर पाओ। बिहेंस पे या इंस्टाग्राम पे अपने काम को डालो। ऐसे सोचो ना कि अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना है, कि यार थंबनेल बनवाने है ना तो आयुष से बनवाने हैं, ग्राफिक्स बनवाने है ना तो पारुल से बनवाने हैं। अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, लोगों को दिखाओ कि आप क्या ऑफर कर सकते हो, आप उनको कैसे एज अ ग्राफिक डिजाइनर AI के साथ वैल्यू दे सकते हो। और आप अपने AI जनरेटेड आर्ट को फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि टी-शर्ट्स, वॉल आर्ट, डेकोरेशंस। इससे आप सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऑफलाइन भी अपने आर्ट के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर जिंदगी में करना है और शाइन, तो सीखो AI एंड ग्राफिक डिजाइन। ई रीडर्स, स्मार्टफोन्स और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से ई बुक्स का क्रेज बढ़ रहा है। आप डेटा देखो कि 2032 तक ये मार्केट $32 बिलियन की हो जाएगी, और यह भी प्रेडिक्ट किया गया है कि 2027 तक ई बुक यूजर्स का जो नंबर है वो 1.1 बिलियन रीडर्स हो जाएगा। 1.1 बिलियन रीडर्स। तो इवन अगर आप फ्रेशर हो या नए हो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा है कि यार एक टॉपिक को पकड़ करना, लोगों की उसमें हेल्प करनी है, तो ये एक बहुत ही शानदार और ग्रोइंग फील्ड है आपके लिए। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, घर बैठे कमाने का ह्यूज स्कोप है, उससे फायदा ले सकते हो। ये टूल है copy.ai। इससे आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो, नैरेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी हेल्प करता है कि कैसे अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाना है। आपने कुछ सोचा, अब उसको क्रिएटिव एस्पेक्ट कैसे देना है, उसमें स्टोरी टेलिंग का एंगल कैसे कवर करना है। इसी के साथ ही डिजाइनर, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बनाता है। मतलब आप कंटेंट को ब्यूटीफुली डिजाइंड ईबुक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर। अब पब्लिशिंग की बात करें तो आप Amazon Kindle Direct Publishing, Apple Books या Google Play Books जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी ईबुक पब्लिश कर सकते हो, और इनमें से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स अप टू 70% कमीशन देते हैं आपकी हर ईबुक की सेल पे। AI पावर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स यूज करो, जैसे कि सर्फर SEO। इससे लोग जब सर्च करेंगे तो आपकी बुक उनके आगे आएगी। क्योंकि मैं खुद एक बुक पब्लिश कर चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अच्छी ईबुक लिखते हो ना, जो सच में लोगों के काम आए, और उसको अच्छे से मार्केट करते हो, तो ये आपकी एक बार की मेहनत है लिखने की, लेकिन सालों तक आपको इसकी रॉयल्टी मिलती है। और अगर आपको लगता है कि रॉयल्टी ही एक तरीका है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, ईबुक लिखने से कई और तरीके हैं कमाने के। इसके ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने सारे इनकम सोर्सेज शेयर करे हैं, कैसे बुक लिखी जाती है, कैसे मार्केट करी जाती है, कैसे कमाया जाता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप इसको भी देख सकते हो। पिछले कई सालों में ऐसे कई एग्जांपल सामने आई हैं जिन्होंने सिर्फ ईबुक्स को मास्टर किया और ईबुक से ही मिलियनेयर बन गए। लेकिन अब आपके पास AI की पावर है। अगर आप AI की पावर यूज करके ईबुक्स को मास्टर करते हो, तो सोचो आपकी अर्निंग स्पीड कितनी बढ़ जाती है। तो दोस्त, जिंदगी में अगर चाहिए सुख, मिटानी है पैसे की भूख, तो लिखो अपनी ई-बुक। एक कमाल का फैक्ट सुनो कि एक एवरेज इंडियन हर रोज 194 मिनट्स सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। 194 मिनट्स मतलब 3 घंटे 14 मिनट। और यही कारण है कि आज की डेट में हर ब्रांड और हर प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहता है। चाहे कोई बरसों पुरानी कंपनी हो या कोई नया स्टार्टअप, कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो या कोई कोच हो, सबको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। तो आप इन सबका सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो AI टूल्स की पावर के साथ।
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शानदार टिप आपको यहां पे दे रहा हूं। आप ना नॉर्मल सोशल मीडिया मैनेजमेंट मत करो, आप स्पेशलाइज्ड करो, यहां पैसा छुपा है। जैसे कि ये कंपनी सिर्फ लॉयर्स के लिए काम करती है, उसमें एक्सपर्ट है। कोई सिर्फ फिटनेस के लिए काम कर रहा है, कोई सिर्फ कोचेस के लिए कर रहा है, इससे क्या होता है आपका कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप सामने वाले का जो फील्ड है ना उसका पूरा एक्सपीरियंस रखते हो, और सामने वाले क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये मेरे फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, मेरे फील्ड वाले क्लाइंट्स हैं। ये एक टिप आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मार्केट में कई टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्लिक यूज कर सकते हो, copy.ai, Jasper.ai, इमेज जनरेशन के लिए Canva.ai यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया एनालिटिक्स के लिए BuzzSumo, हैशटैग एक्सपर्ट, ये एक ऐसा टूल है जो आपको रेलेवेंट हैशटैग्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने पोस्ट को डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर सकते हो। ओकोया जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म को मास्टर करके पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट को मास्टर कर सकते हो। आप ये देखो कि पिछले 4-5 साल में ना डिजिटल मार्केटर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, इन्होंने बहुत ग्रो किया है। अब इसके साथ जब AI की पावर लग जाती है, अब जो बारी है ना वो है AI पावर्ड डिजिटल एजेंसीज, AI पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज। तो आप अकेले शुरू करो, इन टूल्स को मास्टर करो, अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्व करो, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे टीम बिल्ड करो, एक एंटरप्रेन्योर बनो, और एक AI पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के साथ आने वाले टाइम में एक बिजनेस एम्पायर बनाओ। आज से कुछ टाइम पहले ना सीखने के लिए एक ही ऑप्शन थी, इंस्टीट्यूट्स में जाओ, ट्रैवल करना पड़ता था क्योंकि हर शहर में हर स्किल सीखी नहीं जा सकती। लेकिन जब से ऑनलाइन कोर्सेज आए हैं सीखना बहुत आसान हो गया है। इंडिया में एडटेक मार्केट $7 बिलियन की है और 2028 तक ये डबल हो जाएगी, मतलब $14 बिलियन। अब आपको इस बिलियन में ना अपना मिलियन ढूंढना है, और मैं कह रहा हूं $1 मिलियन भी नहीं, पहला गोल सिर्फ ₹1 मिलियन का बना सकते हो। कैसे आप ये कर सकते हो? जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है या किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, देखो कि उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लोगों की जो आप सॉल्व कर सकते हो। आप गूगल ट्रेंड्स, यूडेमी इनसाइट्स, इनको यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि मार्केट की क्या डिमांड है जिसको मीट करने के लिए आप कैपेबल हो। आप देखो कि आपके टारगेट स्टूडेंट कौन है, उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, वो कौन सी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और कितना पे करने को तैयार है। इससे आप समझ पाओगे कि कोर्स कंटेंट कैसा बनाना है जिससे आप लोगों को वैल्यू दे पाओ। ल्यूमन 5 ये टूल है जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट को ट्रेनिंग वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कई एक्सप्लेनिंग टेम्पलेट्स है इसके अंदर, फोटोज और वीडियोस की ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आप अपने कोर्स को यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हो, या कुछ लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टीचेबल, थिंकिफिक, कजाबी, आप यहां पे भी, यहां पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, आप वहां पे भी अपने कोर्स को होस्ट कर सकते हो। एजुकेशन टीचिंग एक बहुत पुराना प्रोफेशन है, उसी चीज को आज अंकुर वारिको या सिद्धार्थ राज शेखर जैसे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, और यही चीज आप अब AI के साथ और स्मार्टली कर सकते हो। AI टूल्स है जैसे गूगल एनालिटिक्स या फिर मिक्स पैनल, इसको यूज करके ना आप देख सकते हो कि आपकी कोर्स की वेबसाइट पे या आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर बिहेवियर क्या है, कहां पे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, कहां लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, कहां पे उनको मजा नहीं आ रहा, कहां पे वो छोड़ गए, यहां से आपको समझ आएगा क्या इंप्रूव करना है। तो जो भी लोग आपसे सीख रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए कम्युनिटी बनाओ। जैसे हमारी भी एक कम्युनिटी है आई एम सक्सेस, जिसमें हम लोगों को लाइफ मास्टर बनाते हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जिनके पास भी रिजल्ट्स होते हैं उनके टेस्टिमोनियल्स लो, सो दैट दूसरे लोग भी इसका पार्ट बने। हमेशा सोचो कि जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं कैसे उनका और फायदा कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस काम में इनकम तो है लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, दिल से लोगों के साथ जुड़े रहना है और दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा सीखते रहना है। पहले हमने ई-बुक्स की बात करी थी, अब हम ऑडियो बुक्स की बात करते हैं। इंडिया में ऑडियो बुक्स भी तेजी से ग्रो कर रही है, इसीलिए कुकू FM और ऑडिबल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक बहुत बड़ा फोकस इंडिया पे है। जोआना पेन एक मस्त एग्जांपल है कि कैसे कोई AI टूल्स यूज करके ऑडियो बुक से लाखों कमा सकते हैं। पेन ने AI जैसे डिजिटल टूल्स को फुल यूज किया अपने ऑडियो बुक्स को क्रिएट करने के लिए, मार्केट करने के लिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सिंपल है, दो स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप है टेक्स्ट टू स्पीच इंजन्स, मतलब जैसे गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच है, Amazon पॉली है या IBM का वॉटसन टेक्स्ट टू स्पीच है, जो रिटन टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस और वॉइसेस में स्पोकन वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है AI ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिस्क्रिप्ट है, ये एडवांस्ड ऑडियो कैपेबिलिटीज है इसके अंदर, जैसे कि AI के साथ ये फिलर वर्ड्स को रिमूव कर देता है,
नॉइज को रिड्यूस कर देता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। तो आप अपनी ऑडियो बुक्स को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो या फिर जो बने बनाए एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ऑडिबल, गूगल प्ले बुक्स, कोबो, इन पे सेल करो। बेनिफिट क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी वो ऑडियंस है जो ऑडियो बुक्स लेने आई है, देखने आई है, सर्च कर रही है। आपको ये दिमाग लगाना है कि जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आए सर्च करें तो आपकी ऑडियो बुक उनके आगे कैसे आए। अगर अच्छा कंटेंट हो, अच्छी वैल्यू हो, राइट टाइटल लिखा है, राइट डिस्क्रिप्शन लिखी है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। क्यों चौंक गए ना कि गाना मोदी जी ने नहीं बल्कि एआई ने गाया है। 22% म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी एआई को यूज करना शुरू कर चुके हैं अपने ट्रैक्स को मास्टर करने के लिए। 2030 तक म्यूजिक इंडस्ट्री में 50% रोल एआई का हो चुका होगा। एआई म्यूजिक जनरेशन है, ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2027 तक ये $1 बिलियन की मार्केट होगी, मतलब 41% एनुअल ग्रोथ। कावी नाम का ये लड़का अपने 20s में म्यूजिक बेचकर अब तक 5 करोड़ की अर्निंग कर चुका है। तो अगर आपका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप भी एआई के थ्रू म्यूजिक बेचकर कमा सकते हो। वॉसिफाई एआई एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है एआई म्यूजिक कवर्स क्रिएट करने में, मतलब आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स का एआई वर्जन बना सकते हो। ऐसे कुछ टूल्स हैं जैसे एम्पर म्यूजिक, आईवा, साउंड ड्रॉ। ये ऐसे टूल्स हैं कि अगर आपकी कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप प्रोफेशनल क्वालिटी का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। इन टूल्स के साथ आप अलग अलग जॉनरे जैसे कि क्लासिकल, पॉप, इलेक्ट्रॉनिक, इन जॉनरों में म्यूजिक बना सकते हो। आप अपने म्यूजिक को यूनिक बनाओ, अपने ट्रैक्स में पर्सनल टच ऐड करो। ये पर्सनल टच ना आपका सिग्नेचर स्टाइल बन सकता है जो मार्केट में आपके लिए एक डिफरेंशिएटर बनेगा। तो जो म्यूजिक आप बनाओ वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हो जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने म्यूजिक को मोनेटाइज कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ज्यादा बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस, क्रिएटर्स और कंपनीज इस तरह के म्यूजिक को एनवेटो से, ऑडियो जंगल, इन मार्केट प्लेसेस से खरीदते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपने ये तो कभी नहीं सुना होगा किसी से कि यार मैं ना पहले किसी टाइम पे ना किसी जमाने में ऑनलाइन ऑर्डर करता था, अब मैं दूसरे शहर में जाता हूँ वहां से सामान लेता हूँ। आप हमेशा इसको उल्टा ही सुनते हो ना कि पहले हम वहां जाते थे अब चीजें घर पे आ जाती हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपनी पिछली जनरेशन की बात करूं, वो भी अब ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं, तो अगली जनरेशन तो और डिजिटल है। एक और बात, कभी सुना है किसी से, कभी रिलेटिव से कि यार काश यहाँ पे शॉप ले ली होती, ये मार्केट कितनी बस गई है, एक टाइम पे यहाँ पे ना इन्वेस्ट कर दिया होता। अब जो दुनिया ऑनलाइन हो रही है, ये राइट टाइम है ऑनलाइन मार्केट में शॉप बनाने का। इंडिया की जो ई कॉमर्स मार्केट का साइज इस टाइम पे है वो है $112 बिलियन का, और एस्टिमेट पता है क्या है, 2029 तक ये हो जाएगा $300 बिलियन, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो क्या है आपका इरादा? गूगल ट्रेंड्स, सेमरश, बस सुमो, ये वो टूल्स है जो जिनसे आप समझ सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है और लोग किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। शॉपिफाई, वू कॉमर्स या मेजेंटो, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाके आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। मैनी चैट या ड्रिफ्ट, ये वो AI चैटबॉट्स हैं जिनको इंटीग्रेट करके आप अपनी कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हो। आप AI टूल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स के लिए राइट एंड बेस्ट सप्लायर्स ढूंढ सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। कई टूल्स है जैसे ओबरलो है या इन्वेंट्री लैब है जो आपके स्टॉक लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, डिमांड फॉरकास्ट करने में हेल्प करता है। अगर 19 साल के माधव ई कॉमर्स से 50 लाख कमा सकते हैं तो आप भी इस डिजिटल होती दुनिया में ऑनलाइन दुकान बना के कमा सकते हो। अब जो अगला ऑप्शन है वो रॉकी से पूछते हैं। ये रॉकी जो है ना, ये कोई इंसान नहीं, ना मेरा कोई दोस्त है, ये एक चैटबॉट है। नायका की एग्जांपल ले तो नायका ने एक अपने यूजर्स के लिए वेबसाइट चैटबॉट लॉन्च किया हुआ है जहां पे कस्टमर्स ऑनलाइन परचेज करने में उसको सवाल पूछते हैं, प्रोडक्ट में हेल्प करता है, ट्रैक करने में हेल्प करता है, और मैक्सिमम क्वेरीज वो चैटबॉट ही हैंडल कर लेता है। ये चीज स्विगी करता है, ये चीज जेप्टो करता है, और कई ब्रांड्स करते हैं। अब ये तो हो गए बड़े बड़े ब्रांड्स, अब जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी तो ये सर्विस चाहिए। तो आप भी वही करो जो स्वयं धवन ने किया, AI टूल की हेल्प से चैटबॉट क्रिएट किए और आज की डेट में वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए AI चैटबॉट बना सकते हो। कई टूल्स हैं मार्केट में, जैसे कि एक टूल है
डेंटे एआई, जो आपको अलाउ करता है कि कस्टम एआई चैटबॉट क्रिएट करो। इस टूल के थ्रू आप डेटा को अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट के लिंक्स, इमेजेस, वीडियोस, हर चीज शेयर कर सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इंटेलिजेंट चैटबॉट्स क्रिएट करता है। तो आप इन कस्टम चैटबॉट्स को बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन करके उनको सेल कर सकते हो। डेंटे आई तो आपको डीप इंसाइट्स भी देता है कि आपके कंटेंट के रिलेटेड, आपकी क्वेरीज के रिलेटेड क्या इंसाइट्स है, क्या एनालिटिक्स है। और भी कई प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप इजीली ड्रैग ड्रॉप यूज कर सकते हो और चैटबॉट बना सकते हो, जैसे कि चैट फ्यूल या फिर मैनी चैट। अब अगर तो आपको क्लैरिटी है कि 12 इनकम आइडियाज में से कौन सा आइडिया है जो आपको क्लिक कर रहा है, जो आपको हिट दे रहा है, तो आप उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करो, उसको सीखो, उसको समझो। और अगर कंफ्यूजन है कि यार 2, 3, 4, 5 में कंफ्यूज्ड हूं, तो मैं आपको एक डिसीजन ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस किस आइडिया में है। जिन आइडियाज में इंटरेस्ट है उनको आप अलग लिख लो। अब जरूरी नहीं है कि हर उस चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस भी मैच करता है या आपकी पास्ट की स्किल्स किसी आइडिया से मैच करती है, तो वो आप दूसरी तरफ लिख लो। एंड थर्ड है ऑडियंस की जरूरत क्या है, क्योंकि पैसा भी जरूरी है, और पैसा वही होगा, पैसा लोग तभी देते हैं जब उनकी जरूरत होती है। अब मैंने 12 के 12 आइडियाज वही दिए हैं जिनमें पैसा है, जो ऑडियंस की नीड है, जो ग्रोइंग है, लेकिन किसी आइडिया में बहुत ह्यूज पोटेंशियल होगा कमाने का, किसमें कम होगा। अब जिसमें ह्यूज पोटेंशियल होगा वो ह्यूज तपस्या भी मांगेगा, राइट, ह्यूज मेहनत भी मांगेगा। तो अगर आपके बड़े सपने, बड़ा कमाना चाहते हो और बड़ी इनकम के लिए तैयार हो, तो आप उन आइडियाज को यहां पे लिख सकते हो कि ऑडियंस की नीड क्या है, ऑडियंस किस में पैसा देती है। अब इस प्रोसेस को करते हुए ना और एक्सप्लोर करो और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने कई वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो आपने करियर सोचे उनके ऊपर और समझो, उसमें लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसमें दिन कैसा होता है, उसमें प्लस क्या है, उसमें माइनस क्या है, ये सोचते हुए ना आप इस ब्लूप्रिंट को क्रिएट करो, ब्लूप्रिंट में चीजें फिल करो। देन आपको वो कॉमन ग्राउंड मिलेगी, वो एक आइडिया मिलेगा जो आपकी कॉलिंग है, जिसके लिए आप काम कर सकते हो। अब देखो, जो 12 आइडियाज आपके साथ शेयर करें, हर आइडिया के अंदर आपको टूल्स दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं। अब सुनने में तो स्टेप्स हैं कि ये 3 स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स नहीं है, वो अपने आप में एक जर्नी है। वो जर्नी जब आप कवर करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी तो यही है। अब सुनने में क्या है, कॉन्टेंट लिखो, वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, ये 3-4 स्टेप्स हैं यूट्यूबर के, राइट। लेकिन ये जर्नी थी जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग सीखी, जिसके अंदर एडिटिंग समझी, विजुअल समझा, क्या कंटेंट होता है, क्या आइडिएशन होती है, और इस जर्नी पे कंसिस्टेंट रहते हुए इस मेहनत का रिजल्ट भी मिला, पैसा भी आया, सपने भी पूरे हुए, मैं इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाया। तो यही चीज आपको कह रहा हूं कि जो भी चीज आप चुनो उसको एक सफर की तरह लो, उस जर्नी की तरह लो। सिर्फ ये मत सोचो रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, देखो मैं हर दिन क्या सीख रहा हूं, क्या बन रहा हूं, क्या एक्सप्लोर कर रहा हूं, कहां पहुंच रहा हूं। हर रोज की जो ग्रोथ है, हर रोज की जो थोड़ी थोड़ी इनकम शुरू होती है और वो इनकम जब बढ़ती जाती है, उस चीज को सेलिब्रेट करो। वो कहते हैं ना कि मेहनत बताती है कि रिजल्ट कैसा होगा, मैं कहता हूं कि रिजल्ट भी बताता है कि इस बंदे की मेहनत कैसी होगी। और मेरी हर वीडियो का यही फोकस है, यही पर्पस है कि आप अपने लिए इनकम बिल्ड कर पाओ, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ। इसलिए जो भी नॉलेज मैंने गैदर करी है, जो भी रिसर्च मेरी टीम ने करी है, हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, सो दैट फ्यूचर में आपके पास पैसा हो, एक्सपीरियंस हो, आप दूसरों को जॉब दो, आप अपने सपने पूरे करो, आपके पास रिग्रेट ना हो, आपके पास अफसोस ना हो। बहुत कम लोगों के अंदर सीखने का जज्बा होता है जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन कौन सा आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी, और दूसरा ये पता चलेगा आपके इंटरेस्ट क्या है, मैं आगे की वीडियोस उस हिसाब से बना पाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप अपनी वेबसाइट और होस्टिंगर के थ्रू करना चाहते हैं। मैं इसी तरह से सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में साथ निभाता रहूंगा। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा, और याद रखना अपना भी एक दिन दौर होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।